बस तू हमारी बात मान और हो जा माला माल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? चलो निकलो यहाँ से, और हाँ आज के बाद यहाँ आने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, ये याद रखना, समझ गए तुम? अरे बेटी मैं ड्यूटी पर जा रहा हूँ, ठीक है? पिताजी रुको जरा। क्यों बेटी, कुछ मंगाना था क्या? नहीं पिताजी, मंगाना तो कुछ नहीं था, मैं तो आपको बस याद दिलाना चाहती थी कि आप कुछ भूल तो नहीं रहे। मैं भूल रहा हूँ? लेकिन क्या, मुझे बता तो सही बेटी। पिताजी आप वही भूल रहे हो जो आप रोज भूलते हैं, मतलब कि आपका टिफिन। ठीक है तो बेटी अब मैं चलता हूँ, ठीक है? मुनीम जी घर पे हैं क्या? कौन? अरे छोटे मालिक आप? हाँ हम। मुनीम जी घर पे नहीं है क्या? पिताजी तो अभी थोड़ी देर पहले ड्यूटी पर निकल गए, आपको कुछ काम था क्या? काम तो कुछ नहीं था, हम तो बस ऐसे आए थे, सोचा मुनीम जी होंगे तो उन्हें भी साथ लेते चलेंगे, लेकिन अब मुनीम जी हैं नहीं, तुम हो, तुम बैठने तक को नहीं कह रही, खड़े खड़े बातें करे जा रही हो। अरे नहीं छोटे मालिक आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए बैठिए, ये आप ही का तो घर है। घर तो है ही हमारा, लेकिन हम सोच रहे थे कि घर वाले भी हमारे हो जाएं तो बात बन जाती। क्या मतलब? छोटे मालिक मैं आपकी बात का मतलब समझी नहीं, तो इसलिए जरा सही से बताइए कि आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। देखिए कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन हम कुछ कहना नहीं चाहते, हम तो कुछ और ही चाहते हैं। छोटे मालिक आप ये कैसी बातें कर रहे हो, आपका दिमाग तो ठीक है ना? हमारे दिमाग को क्या होगा, हमारा दिमाग तो सही है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? माफ कीजिएगा छोटे मालिक, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि आपका दिमाग सचमुच खराब हो चुका है और आपको इलाज की जरूरत है। अब आप इलाज कराएं या ना कराएं वो आपकी मर्जी, आप बैठिए मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। यार मुझे लगता है अपनी बात बन जाएगी। अरे बनेगी कैसे नहीं, बना कर रहेंगे चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। हाँ माने तो ठीक, अगर नहीं माने तो दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। अरे दूसरे रास्ते की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऐसे ही मान जाएगी। तू एक मिनट रुक मैं अभी आता हूँ। अरे तू कहाँ जा रहा है यार, कहीं बनी बनाई बात बिगाड़ ना देना। अरे कुछ नहीं होगा यार, तू आराम से बैठ, जो भी होगा मैं देख लूंगा। अरे छोटे मालिक आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, ऐसे घूम कर तुम्हारा घर देख रहा था। कोई बात नहीं छोटे मालिक, पहले पानी पी लो फिर उसके बाद देख लेना। ठीक है पहले उसे दे दो। लीजिए छोटे मालिक पानी। छोटे मालिक ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, तेरे रूप का जादू है, जादू, और जादू भी ऐसा कि हमारे सर चढ़कर बोल रहा है, इसलिए बोल तुझे क्या चाहिए, हम वही देंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस भगवान के लिए आप यहाँ से चले जाइए। अरे चले तो हम जाएंगे, लेकिन हम आज तुझे ऐसा मौका दे रहे हैं कि तू दुनिया की सबसे महंगी से महंगी चीज़ मांग सकती है, हम तुझे दे सकते हैं, लेकिन तेरी ज़िंदगी में ऐसा दोबारा मौका कभी नहीं आएगा। हाँ बस तू हमारी बात मान और हो जा माला माल। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? चलो निकलो यहाँ से, और हाँ आज के बाद यहाँ आने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, ये याद रखना, समझ गए तुम? हम याद रखें या नहीं, लेकिन तू जरूर याद रखेगी, क्योंकि हमसे दुश्मनी मोल लेना बर्बादी की निशानी है। तुम लोग हमें क्या बर्बाद करोगे, तुम लोग खुद बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि हमारे जैसे गरीब इंसान की भगवान जरूर सुनता है। देखेंगे कौन होगा बर्बाद, तू बस आगे आगे देख होता है क्या। मुनीम जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते छोटे मालिक आप आइए बैठिए। अरे बैठ जाएंगे, पहले ये बताओ भैया कहाँ पर हैं? वो बड़े मालिक ना आज मीटिंग है ना तो वहीं पर गए हैं। मीटिंग में गए हैं? वैसे मुनीम जी हम आपके घर गए थे, आप मिले नहीं, आपकी बेटी मिली घर पर। लेकिन छोटे मालिक आप घर क्यों गए थे, कोई ज़रूरी काम था क्या?
काम तो कुछ नहीं था, हम यहीं पर आ रहे थे। हमने सोचा कि आपको भी साथ ले चलें, लेकिन आप मिले नहीं। छोटे मालिक, आप इतने पैसे वाले और बड़े आदमी होकर भी आपने मुझ जैसे गरीब को अपने साथ बिठाने के बारे में सोचा, मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। देखिए मुनीम जी, गरीब अमीर कोई नहीं होता, हम आज जो कुछ भी हैं आप जैसे लोगों की दुआ और आशीर्वाद की बदौलत है, इसलिए आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते, हम सबको ईश्वर ने बनाया है, हम सब बराबर हैं। छोटे मालिक, आपकी सोच बहुत अच्छी है, सबकी सोच ऐसी ही होनी चाहिए। छोटे मालिक, आप इतनी देर से खड़े क्यों हो, बैठ तो जाइए। मुनीम जी आप बैठिए, और ये बताइए भैया कब तक आ जाएंगे? बड़े मालिक शाम तक ही आ पाएंगे, क्योंकि मीटिंग के बाद कुछ और भी काम है उन्हें। ठीक है मुनीम जी, हम तो बैठे हैं, आप अपना काम कीजिए। जी छोटे मालिक। यार हम भैया का इंतजार कब तक करेंगे, काफी टाइम हो गया। हाँ यार तू सही कह रहा है, हमें पैसों की तो जरूरत है, पैसे ही तो चाहिए। तू रुक, मैं अभी गल्ले में देखता हूँ। इतना पैसा? चलो भाई हो गया काम। अरे छोटे मालिक रुकिए तो सही, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, ये हमेशा जल्दी में ही रहते हैं। मोनू अब दिखा तेरे पास कितने पैसे हैं। देख एक महीने लगातार पार्टी करेंगे ना, तब भी खर्च नहीं होंगे, इतने पैसे हैं ये देख। अब हम इन पैसों से एक तीर दो निशाने वाला काम करेंगे। वो कैसे? याद कर, हम सुबह उस मुनीम की बेटी से क्या कहकर आए थे, उसे उसकी औकात तो दिखानी है। ओ अच्छा, इसका मतलब हम ये पैसे भैया को नहीं बताएंगे? हाँ, क्योंकि ये पैसा चुराने का आरोप उस मुनीम पर रख देंगे। अच्छा अरे वो मुनीम तो वो आ रहा है, चल इसे मक्खन लगाते हैं। चलो अरे मुनीम जी घर जा रहे हो, आओ आपके घर छोड़ देते हैं, चलो। अरे छोटे मालिक आप क्यों परेशान हो रहे हो, मैं चला जाऊंगा। अरे कोई बात नहीं मुनीम जी, आप बैठिए तो सही। अरे पिताजी आ गए आप, लेकिन आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए, मेरे कहने के बावजूद भी आप हमेशा रोज लेट ही आते हो। बेटी मैं आज भी लेट आता, लेकिन आज बाइक मिल गई इसलिए जल्दी आ गया। बाइक पर बैठ कर आया, लेकिन पिताजी किसकी बाइक पर? अरे बेटी वो है ना मालिक के छोटे भाई, उन्होंने मुझे अपनी बाइक पर बिठाया और यहाँ तक छोड़ कर गए हैं। क्या वो दोनों घमंडी आपको यहाँ तक छोड़ कर गए हैं? हाँ बेटी, लेकिन तू उन्हें घमंडी क्यों कह रही है, वो दोनों तो बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान हैं, वो तो घमंड करते ही नहीं है। पिताजी आप सभी को अपने जैसा मत समझा करो, क्योंकि इस मतलब से भरी दुनिया में पता नहीं कौन कैसा है और किसके मन में क्या चल रहा है। तेरी बात सही है बेटी, लेकिन वो लोग गलत नहीं हो सकते, क्योंकि उनका बड़ा भाई शरीफ इंसान है, इसलिए वो भी अपने भाई की तरह शरीफ ही होंगे। पिताजी ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि आप ही तो कहते हो बेटा जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। और ये भी तो जरूरी नहीं है कि छोटे भाई भी बड़े भाई के जैसे ही निकलेंगे, क्योंकि आजकल पैसे के लिए भाई भाई के बीच दुश्मनी हो जाती है। ठीक है बेटी, लेकिन तू अपना दिमाग इन बातों में मत लगा, तू अपना दिमाग पढ़ाई में लगा, क्योंकि मैं तुझे एक बहुत बड़ी अधिकारी बनाना चाहता हूँ, इसलिए बेटी मेहनत से तू पढ़ाई कर, तभी कुछ हासिल कर पाएगी। पिताजी आप चिंता मत करो, आप जो चाहते हो मैं वही बनूंगी, चाहे इसके लिए मुझे दिन रात मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े, मैं करूंगी, लेकिन अपना मुकाम हासिल करके रहूंगी। बेटी मुझे पूरा यकीन है कि तू मेरे विश्वास को नहीं टूटने देगी और मेरी उम्मीदों पर बिल्कुल खरी उतरेगी।
पिताजी अब आप ये बताइए कि मैं खाने में क्या बनाऊं? खाने में कुछ भी बना ले बेटी, जो तुझे पसंद है वही मुझे पसंद है। ठीक है पिताजी, लाइए टिफिन दीजिए। पिताजी मैं कॉलेज जा रही हूँ। ठीक है बेटी जा, ध्यान से जाना। ठीक है पिताजी, नमस्ते। और सुनाओ जाने मन, कॉलेज जा रही हो? वो तो हम अपनी बाइक से छोड़ दें। मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे बाइक की, मेरे हाथ पैर है, मैं खुद जा सकती हूँ। देख जरूरत तो नहीं है, लेकिन हम फिर भी कह रहे हैं तो बैठ ले। मैंने एक बार मना कर दिया ना कि मुझे नहीं बैठना, तो फिर तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? हम तुझे ऐसे भी परेशान नहीं कर रहे, अगर तू हमारे साथ बैठेगी ना तो हम तुझे पैसे भी देंगे। तुम्हें अपने पैसे का कुछ ज्यादा ही घमंड है ना? याद रखना ये घमंड एक दिन चकनाचूर हो जाएगा। हटो, जाने दो मुझे। बताइए, एक मामूली नौकर की बेटी हमें सुना के जा रही है, इसकी इतनी हिम्मत होगी? चलो इसे तो बाद में देखेंगे। मतलब नौकर की बेटी? अरे हाँ, इसका बाप मुनीम हमारा नौकर ही तो है। अच्छा, चलो चलते हैं, इसको तो बाद में देखेंगे। चलो। मालिक नमस्ते। अरे बेटी तू यहाँ क्यों आई है, घर नहीं गई? नहीं पिताजी, आज मैंने सोचा कि आपके साथ ही घर चलूं। ठीक है बेटी, तू थोड़ी देर बैठ ले, थोड़ा काम और रहा है, फिर हम चलेंगे घर। ठीक है, बैठ ले, बैग वहाँ पर रख दे। मालिक मैंने सारा माल चेक कर लिया है। ठीक है, चेक कर लिया, अच्छे से चेक कर लिया है। ठीक है, तुम्हारी बेटी बैठी है, अब तुम घर जाओ। ठीक है, ठीक है, चल बेटी चल दे। मालिक नमस्ते। हाँ जी बोलिए। अच्छा तो ऐसा है, मैं आपकी पेमेंट अभी भिजवाता हूँ। हाँ ठीक है ना, ठीक ठीक। अरे गली में से पैसे कहाँ गए? अरे सोनू मोनू इधर आओ। हाँ भैया क्या बात है बताइए। सोनू इस गली में पैसे रखे थे, कहीं तुमने दूसरी जगह तो नहीं रख दिए? नहीं भैया, हम क्यों रखेंगे जब आपने पैसे रखे हैं तो। हाँ भैया ये सही कह रहा है, आप याद करिए ठीक से, कहीं आप रख के भूल गए हो। तुम लोग पागल हो गए हो, मैं भला रख कर कैसे भूल सकता हूँ पैसे? भैया आप पैसे रख कर नहीं भूले हैं तो हमें लगता है हमारे पैसे चोरी हो गए। चोरी? ऐसे भला यहाँ से कौन चुरा सकता है? हाँ भैया, क्योंकि ग्राहक तो इस साइड को जाते ही नहीं है, पैसे चुराए होंगे तो किसी अपने नहीं चुराए होंगे। अपना आदमी यहाँ कौन आता है, सिर्फ मुनीम जी आते हैं। हाँ भैया यहाँ पर मुनीम ही आते हैं, क्या पता पैसा मुनीम जी ने निकाल लिया हो। मुनीम जी ऐसे कैसे पैसे निकाल लेंगे, वो तो अच्छे आदमी है, अगर पैसे निकालते तो वो बता देते मुझे। भैया आप नहीं जानते, इस जमाने में लोग दिखावटी ईमानदार होते हैं और अंदर से तो कुछ और ही होते हैं वो। चलो ठीक है, तो मुनीम जी छत पर हैं, उनसे ही पूछते हैं। एक मिनट भैया, पहले यहाँ अच्छे से चेक तो कर लीजिए, क्या पता यहीं पे हो। ये बात भी तुम सही कह रहे हो, मैंने तो पर यहाँ पर चेक कर लिया है, पर तुम नहीं मानते, तुम भी चेक कर लो पर।
देखिए भैया, ये पैसे मुनीम जी की जैकेट से निकले हैं, क्या अब तक बाकी के पैसे भी मुनीम जी के पास हों? मैंने क्या समझा और मुनीम जी क्या निकले, चलो मुनीम जी के पास चलते हैं अभी। मुनीब जी, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम हमें इतना बड़ा धोखा दोगे। अरे मालिक, ये आप कैसी बात कर रहे हो, मैंने आपको कौन सा धोखा दिया है? मुनीब जी, ऐसा है, ज़्यादा ईमानदारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, अब हमें तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। अब ये बताओ, बाकी के पैसे कहाँ पर हैं? मालिक, कैसे पैसे, मैं पैसों के बारे में कुछ नहीं जानता। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है जो आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। मुनीब जी, हम इल्ज़ाम ऐसे ही नहीं लगा रहे, हमारे पास सबूत है, समझे? सबूत है, लेकिन क्या सबूत है? मुनीम जी, आपकी जेब से निकले हुए ये पैसे, शायद आप इन्हें घर रखना भूल गए। अगर आप इन्हें अच्छे से घर रख देते तो बच सकते, लेकिन अब नहीं। इसलिए मुनीम जी, सच सच बताइए, बाकी के पैसे कहाँ हैं? इसी में आपकी भलाई है। मालिक, आप मुझे अच्छे से जानते हैं, फिर भी आप मेरी ईमानदारी पर शक कर रहे हैं। मुनीम जी, भैया को शक नहीं बल्कि पूरा यकीन है आपके ऊपर कि पैसे आपने ही निकाले हैं, नहीं तो किसी की औकात नहीं जो गले में हाथ डाल दे। मालिक, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं निकाले हैं, आप मेरा विश्वास तो कीजिए। क्यों, एक बार विश्वासघात करके तुम्हारा पेट नहीं भरा जो दोबारा विश्वास के लिए कह रहे हो? सोनू, पुलिस को फोन कर, पुलिस बुला अभी, पुलिस उगलवाई, सच क्या है? मालिक, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन पुलिस को मत बुलाइए, जो सजा देनी है आप मुझे दे सकते हैं, मुझे आपकी हर सजा मंजूर है। तुम्हें सजा मंजूर है तो कान खोलकर सुन लो, आज के बाद यहाँ पर नजर मत आ जाना, समझे? निकलो, चलो। तुझे सुनाई ना दिया भैया ने क्या कहा, निकल यहाँ तब। हे भगवान, अब तो मेरी नौकरी भी चली गई, अब मेरी बेटी की पढ़ाई कैसे होगी? अगर मालिक को मुझे नौकरी से निकालना ही था तो ऐसे ही निकाल देते, मुझ पर इतना घिनौना आरोप लगाने की क्या ज़रूरत थी? अब मैं यहाँ पर रहूँगा ही नहीं, अपनी बेटी को लेकर कहीं अंत ही रहूँगा। पिताजी, हम अपना घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? बेटी, इन गुंडों के बीच में रहना हमारे लिए ठीक नहीं है, इसीलिए हम अपना घर छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है पिताजी, लेकिन अब हम कहाँ पे रहेंगे और अपना गुजारा कैसे होगा? बेटी, तू फिक्र मत कर, हमारा गुजारा हो जाएगा, कहीं ना कहीं कोई भी काम ढूंढ लेंगे। पिताजी, अगर आपको कोई काम नहीं मिला तो इसका मतलब मुझे अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ेगी। नहीं बेटी, तेरी पढ़ाई बंद नहीं होगी, और तू अपनी पढ़ाई बंद करने के बारे में तो कभी सपने में भी नहीं सोचना, क्योंकि अभी तेरा बाप जिंदा है। वो सब तो ठीक है पिताजी, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं होंगे तो मुझे पढ़ाई तो बंद करनी ही पड़ेगी ना। बेटी, तेरी पढ़ाई बंद नहीं होगी, चाहे फिर मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ठीक है पिताजी, चलिए। अरे रुक जाओ मुनीम जी, इतनी जल्दी मत करो, जरा हमारी बात तो सुनो। क्या सुने, अब सुनने को बचा ही क्या है, तुम लोगों ने जो करना था वो हमारे साथ में कर दिया, अब हमारा रास्ता छोड़ो और हमें जाने दो। देखिए मुनीम जी, हमें पता है कि आप निर्दोष हो, इसलिए हमारी बात मानिए और हमारे साथ घर चलिए। पिताजी, आप इन लोगों की बातों पर भरोसा मत करना, क्योंकि ये लोग ना आपको धोखा ही देंगे। धोखा? धोखा हम नहीं दे रहे, धोखा तो तुम लोग दे रहे हो जो हमारी बात नहीं मान रहे। नहीं माननी हमें तुम्हारी कोई भी बात, समझे? रास्ता छोड़ो, चलो बेटी। अरे रुको तो एक मिनट, कौन सा हम जाने को मना कर रहे हैं? मना नहीं कर रहे तो जाने दो ना, क्यों रोक रहे हो? तुम जाना ही चाहते हो तो जाओ।
मेरे निर्दोष पिताजी पर तुम लोगों ने चोरी का इल्जाम लगाया और वो भी चोरी तुमने की थी। तुम्हारी वजह से मेरे पिताजी को नौकरी गंवानी पड़ी और उन्हें दूसरों के झूठे बर्तन साफ करने पड़े। जो किया वो हमने मजबूरी में किया, अगर तू हमारी बात मान जाती तो ये सब नहीं करना पड़ता। हाँ, तुम्हारे पिताजी को किसी के झूठे बर्तन साफ नहीं करने पड़ते, क्योंकि ये सब हमारी वजह से नहीं तुम्हारी वजह से हुआ है। मुझे पता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, क्योंकि तुम लोग बातों के नहीं लातों के भूतों। चलो मेरे साथ।